Actually, today we have started the vaccination of school. 181 school. समग्र देशेर साथे दक्षिण आसामेर हाइलाकान्दि जिलाते 15-18 बछर बयसेर छात्रछात्रीके कोविड वैक्सीन प्रदान प्रक्रिया आरम्भ होयेछे। एई अभियानेर प्रथम दिन हाइलाकान्दि जिलार मोट 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयेर 5677 जन छात्रछात्रीके कोविड वैक्सीन प्रदानेर लक्ष्य नेওয়া হয়েছে। सोमवार हाइलाकान्दिर पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयेर अध्यक्ष सिराजुल हक माझारभुइया ए टीकाकरण प्रक्रियार आनुष्ठानिकभावे शुभारम्भ करें। अनुष्ठाने उपस्थित थेके डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफिसार केटीएस रंगमाई जानान जे आगामी 9 जानुआरी थेके हाइलाकान्दि जिलार प्राय 23,000 शिक्षार्थीके कोविड वैक्सीन प्रदान करा होबे। हाइलाकान्दि छात्रछात्रीओ आनंद मने कोविड वैक्सीन नीते उत्साही होयेछे। उल्लेख आगामी 4 और 5 जानुआरी हाइलाकान्दिर 15 शिक्षा प्रतिष्ठान चलबे कोविड टीकाकरण प्रक्रिया। Actually, today we have started the vaccination of school children 15 years to 18 years age group who are born in 2007. So, today we have arranged 15 school in Hailakandi district. Out of this, we have targeted 5,667 students. Today, we are going to vaccinate. So, actually, I hope that all the teachers will give full cooperation to make the program success, and all the students also, they are coming, and I hope we will fulfill the target of today. And out of that, Hailakandi district has more than 2,200 students total. So this vaccination we have started to get today, and it will be finished by 9th. So we are thinking to complete this target within this. This is the target that we are targeting the student. 181 school, and we are planning it phase wise. So aaj kya hai hamara 15 schools mein humne plan kiya hai, and the population is 5,660 people who are more than 15 to 18 years of age, and we hope they'll get vaccinated because in view of the coming Omicron jo hai, uske liye bachav ke liye bahut hi zaruri ho gaya hai. तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके हेल्थ ने सब स्कूल्स को ये डायरेक्शन भी दिया है कि हम, और आज इसका इनॉग्रल सेशन था, तो आज हमने 15 स्कूल्स लिया है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट। फिर वैक्सीनेशन इज गोइंग ऑन सिंस जनवरी, हम सभी ले रहे हैं, और अभी आप लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन जैसे फैल रहा है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दिया है हमारे बचाव के लिए ही दिया है। तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से हम आशा करते हैं ये जो फियर्स हैं, र्यूमर्स हैं लोगों के मन में, वो बिल्कुल जो फेक र्यूमर्स है उसको वो हट जाए, और लोग खुद से एनकरेज होकर अपना वैक्सीनेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लें।